हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। साइंस एंड टेक में मैड में आज हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। सो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड वेरियस एप्लीकेशंस। तो अगर आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन योर सेल्फ, अदरवाइज लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, हम बताएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है एंड क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, वो सब भी हम बता सकते हैं सिंस इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद हमें प्रिंसिपल बताना है किसके ऊपर काम करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट व्हाट वी कैन टेल इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस्ड व्यू देने के लिए आंसर को, वी कैन टेल समथिंग अबाउट द चैलेंजेस जो वी कैन फेस बाय बिफोर या ड्यूरिंग द यूजिंग द यूजेज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फाइनली वील एंड अप विद अ वे फॉरवर्ड। तो ये हमारा जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रहेगा आंसर का। सो कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी बोला जाता है, एक टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई एंड कंपेयर कर सकते हैं सेट्स ऑफ डीएनए। यानी अगर हमारे पास दो डिफरेंट सैंपल्स दिए हुए हैं डीएनए के, तो हम देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कि क्या ये एक ही इंसान के हैं या अलग अलग, दे बिलोंग टू टू डिफरेंट पीपल। ठीक है जी। तो प्रेजेंट जो इसकी यूजेज है वो कहाँ पर देखी जा रही है, फोरेंसिक्स में देखी जा रही है एंड इट हैज़ इट हैज इमर्ज टू बी अ मेजर फील्ड जहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं हम इस साइंस को। सो अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे सर एलेक जेफरीज। 1977 में लेस्टर यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस चीज़ को इन्वेंट किया एंड उसके बाद 1983 एंड 1986 में इसको यूज़ भी किया गया। लेस्टरशायर में ही एक केस था टू आइडेंटिफाई द रेपिस्ट एंड मर्डरर ऑफ टू गर्ल्स इन लेस्टरशायर ओनली। ठीक है जी। एंड उसके बाद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से अब प्रेजेंटली तो हम एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सैम्पल्स भी एनालाइज कर सकते हैं। तो अगेन जो प्रोग्रेस हो रही है इस फील्ड में। इसके बाद प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये काम करता है कि मैच करने के लिए अनकॉमन सीक्वेंस ऑफ ह्यूमंस विद अ सस्पेक्ट्स यूनिक सीक्वेंस। इसका मतलब समझते हैं थोड़ा, कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं विच आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो अगर हम यूनिक आइडेंटिटी की बात करें तो ऑल दो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं जीनोम्स के, जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं एंड इसमें से भी जो डीएनए है मोस्टली सभी ह्यूमंस का इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। तो लेकिन कुछ जैसे 90% जो डीएनए है वो सभी का सेम है, लेकिन जो 10% बच गया है उसी के बिना पर जो डिफरेंस है उसको स्टडी करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो अनकॉमन सीक्वेंस यानी जो 10% अनकॉमन है उसको स्टडी करेगा, उसको मैच करेगा विद द सस्पेक्ट जिसके जो सस्पेक्ट के यूनिक सीक्वेंस है उसके साथ। ठीक है जी। तो सोर्सेज क्या है हमारे पास, सोर्सेज है ब्लड, सीमन ट्रेसेस या वजिनल स्वाब फ्रॉम क्लोथ्स, सलाइवा है, हेयर, स्किन या टिश्यू। तो ये सब सोर्सेज हैं जहां पर से डीएनए को ऑब्टेन किया जा सकता है। एंड मूविंग ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो जैसे जैसे स्टडी बढ़ती जाएगी, आगे रिसर्च गहरी होती जाएगी, तो देर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन डीएनए इन द होल बायोटेक्नोलॉजी ओनली, लेकिन डीएनए भी उसमें जो डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग है इट हैज़ इमर्ज टू बी अ मेजर फील्ड। तो प्रेजेंटली अगर आपने आज का साइंस का लेक्चर नहीं देखा तो पीसीएम बैच में, तो आप देख सकते हैं हमने पूरा लेक्चर ही बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनाया हुआ है, वहाँ पर डीएनए भी समझाया है एंड ऑल द थिंग्स। सो देर इज़ अनदर वीडियो विच विल बी अपलोडेड वेरी सून, तो उसको 2-3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। ओके जी, कमिंग बैक, एप्लीकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले तो फोरेंसिक्स में यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। इसके बाद पेटर्निटी टेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। कि नेक्स्ट जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या दे आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उनके ब्रीडिंग पैटर्न्स को हम स्टडी कर सकते हैं, उन जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में हैं उनको बचा सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो एक टेक्निक है, एक टूल है जीनोम सीक्वेंसिंग का, सॉरी हमारे डीएनए का ही, कि बायोटेक्नोलॉजी का आई मीन टू से, तो उसमें क्या है कि हम जो जीन सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी हम खुद से वो जो जीनोम है उसको बना सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं हम उनको डी एक्सटिंक्ट कर सकते हैं।
सो अगेन हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें या इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी एक वैलिड एप्लीकेशन हो सकती है इसकी। इसके बाद जो अगर हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बात करें तो उनकी लीनिएज को डिटरमिन करना, दैट कैन बी डन विद दिस डीएनए प्रोफाइलिंग थिंग। एंड ऑल्सो कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स होते हैं किसी किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज के स्पेसिफिक, तो उनको भी हम देख सकते हैं या उनकी एवोल्यूशन देख सकते हैं कि वो एंसेस्टर्स से लेकर प्रेजेंट जनरेशन तक कैसे इवॉल्व किए, किस तरीके से आए। इसके बाद जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोस किया जा सकता है, जैसे हमारे पास हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इन सब को हम देख सकते हैं कि क्या जो हमारा ऑफस्प्रिंग आने वाला है उसमें ये ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इवन मॉडिफाई इट विद अदर टेक्निक्स। एंड फाइनली जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है एंटीबायोटिक्स से, तो उनको डिटरमिन किया जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली कुछ उससे रिलेटेड कोई क्योर सजेस्ट कर सकते हैं हम। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस। मोर ओवर इसी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, अगर आप और पढ़ेंगे तो नीचे लिखते जाइएगा कि जैसे फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं कि कुछ जीन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट रेजिस्टेंट है, एंड क्योंकि अब वाटर क्राइसिस चल रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली ही कि हम वाटर गजलिंग क्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिस टेक्नोलॉजी इट कैन कम हैंडी। सो अकॉर्डिंगली ऐसे मल्टीपल यूजेजेस हैं, मेडिसिन में देख लिया हमने, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं, एंड मोर ओवर मरीन ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, इन सबको हम डिस्कस करेंगे इन आर लेक्चर इन द PCM बैच। ओके जी, मूविंग ऑन, चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सो सबसे पहला जो प्राइम चैलेंज आता है वो सैंपल कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, क्योंकि जो हमारी पुलिस पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं हुई कि वो जो DNA सैंपल्स को प्रोक्योर कर पाएँ या इनफैक्ट स्टोर कर पाएँ, एंड मोर ओवर जो टूल्स हैं वो भी कई बार स्टेराइल नहीं होते, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल हमें आरुषि तलवार मर्डर केस में मिलता है, क्योंकि पुलिस की इनकैपेसिटी थी तो जो पूरा सैंपल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, एंड फाइनली द जस्टिस इट गॉट डिलेड। उसके बाद कुछ अनरेगुलेटेड लैब्स हैं जो कि फॉल्स रिपोर्ट्स या डिलेड रिपोर्ट्स ऑफर कर सकती हैं, तो ये भी एक चैलेंज है, इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर DNA प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट ही फॉल्स हो गई तो देन द होल प्रेमाइज ऑफ द केस इट कैन गो रॉन्ग। उसके बाद पॉसिटी है हमारे पास फॉर कैपेसिटी फॉर DNA प्रिंटिंग यस। सो है क्या कि हमारे पास इतनी ज़्यादा लेबोरेटरीज नहीं है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर जो लैब अवेलेबल हैं फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द कंट्री दे हैव टू रिलाई ऑन दीज लैब्स। तो अब होता क्या है कि इनके पास वर्कलोड बढ़ जाता है एंड इसकी वजह से डिलेज होते रहते हैं, एंड मोर ओवर ट्रांजिट में भी कई बार सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो ये सब रीजंस हैं, दीज आर द चैलेंजेस विच वी हैव टू एड्रेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लॉज इन इंडिया रिगार्डिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग, जैसे जो 16th लोकसभा थी जब, तो उस टाइम पर DNA प्रोफाइलिंग का लॉ टेबल हुआ था, लेकिन अब जब लोकसभा की टर्म एक्सपायर हो गई तो वो बिल लैप्स हो गया, तो अब प्रेजेंटली इंडिया में कोई ऐसा लीगल मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू हम जो कोई लीगल प्रोसीडिंग कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ एनी लेजिस्लेशन, तो इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो टू सम अप, हम वे फॉरवर्ड में जो कुछ इन जो हमने चैलेंजेस देखे हैं बेसिकली उन्हीं को एड्रेस करने की ही बात करेंगे ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑब्वियसली। सो सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारी स्टेट पुलिस पर्सनल है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है ताकि वो सैंपल्स को कलेक्ट एंड प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसके बाद जो गवर्नमेंट है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारे जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की लेबोरेटरीज़ हैं उनको हम नई जगहों पर खोल पाएँ, एंड मोरोवर जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको अपग्रेड कर पाएँ, एंड फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना बहुत ज़रूरी है फॉर द यूज़ एंड रेगुलेशन ऑफ द DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे एथिकल कंसर्न्स हैं, एंड मोरोवर देयर कुड बी अ कंसर्न ऑफ बायो वेपन्स एज वेल, तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।